मिल पाकुन गोरो का मसूल लड़ांग रे, मिल पाकुन गोरो का मसूलडांग. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट. जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 10th क्लास ज्योग्राफी का फोर्थ चैप्टर दैट इज एग्रीकल्चर. और आज जो हम पाठ करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो टाइप्स ऑफ जो हमने फार्मिंग देखा था उसका एक हमने हिस्सा कर लिया था सब्सिस्टेंस फार्मिंग का, और अब हम देखेंगे कमर्शियल फार्मिंग. तो माय डियर सन्स एंड डॉटर्स, मैंने जो आपको वो स्ट्रक्चर बताया था वो आपकी बुक में आपको एज सच नहीं मिला है और ना मिलेगा वो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो यहां पर हम बेसिकली समझेंगे कि कमर्शियल फार्मिंग क्या है, और इसमें स्पेसिफिकली हम देखेंगे प्लांटेशन को. तो जैसे ही आप देखते हो प्यारे बच्चों की जो कमर्शियल फार्मिंग है, जैसे सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन निर्वाह करने के लिए, है ना, निर्वाह करने के लिए हमें मतलब पर्याप्त जो मतलब हमारी जो ग्रेन्स है वो मिल जाए, जो क्रॉप है हमें मिल जाए जीने के लिए. लेकिन जब हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वी हैव अ लार्ज लैंड एरिया और उसके ऊपर हम कहीं ना कहीं खेती करते हैं. और इसकी एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, HYV, है ना, जो आपने 9th में भी आपने पढ़ा है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, है ना, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीजें यहां पर यूज की जाती है. तो आप देखेंगे द मेन फीचर ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, एग्जाम्पल HYV, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द हायर प्रोडक्शन. कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ताकि ज्यादा हो, इस वजह से इन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है. डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन, यानी कि व्यापार जो हो रहा है ना, उसकी जो कमर्शलाइजेशन है उसकी जो डिग्री है ये वेरी करता है, यानी कि डिफरेंट है हर जगह पर, है ना. तो जैसे एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, राइस जो है वो पंजाब और हरियाणा में कमर्शलाइजेशन किया जाता है क्योंकि इसकी प्रोडक्शन ज्यादा है यहां पर, है ना, लार्ज उसमें है. लेकिन अगर आप वही उड़ीसा में आप देखोगे तो ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है. तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आई होप कि आपको इसका एग्जांपल रहेगा, पंजाब हरियाणा इज फेमस फॉर राइस, है ना. तो और उड़ीसा में ये कहीं ना कहीं जो फसल है ये एक सब्सिस्टेंस है. राइस इज कमर्शियल इन पंजाब एंड हरियाणा बट सब्सिस्टेंस इन ओडिशा. अब हम देखते हैं प्लांटेशन. अब जो प्लांटेशन है इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, क्योंकि प्लांटेशन में क्या होता है, एक ही टाइप की जो फसल है ना, बेसिकली सुगर केन है या और जो आप चीजें देखते हैं बनाना है, तो इनको एक ही जगह पे टी है, कॉफी है, रबर है, एक ही जगह पे इनको इस्तेमाल किया जाता है बहुत बड़े उसमें, है ना. तो इसमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे माइग्रेंट लेबर और इनकी काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है क्योंकि वो बड़ा एरिया में होता है. प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, अ सिंगल क्रॉप ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, है ना, काफी बड़े एरिया में एक ही फसल को उगाया जाता है. द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, यानी कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में कहीं ना कहीं जोड़ने का, संयोग करने का कहीं ना कहीं ये काम करती है. मतलब ये उसी के लिए ही कहीं ना कहीं उससे जुड़ी हुई एक चीज है. ऑल द प्रोड्यूस यूज्ड एज रॉ मटेरियल, जितने भी प्लांटेशन में, क्योंकि इतने बड़े में घर के लिए तो नहीं इसको हम यूज करते हैं, तो जो भी चीजें इसमें इस्तेमाल हो रही है वो कहीं ना कहीं जो है वो इंडस्ट्री के लिए एज अ रॉ मटेरियल, है ना. तो जो प्लांटेशन जब भी होती है तो एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री. अगर शुगर केन के लिए है तो वो उसकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए, बनाना के लिए तो उसकी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री के लिए. इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा आर द इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप. अगर आपसे पूछा जाए कि राइट 2 या 3 प्लांटेशन क्रॉप, है ना, तो आपके पास टी, रबर, कॉफी, तो ये जो चीजें हैं उसमें आती है, बनाना है, शुगर केन है. और अब देखो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है बचपन से आप जानते हैं कि जो चाय है वो असम की बहुत ही बेहतरीन है और कर्नाटक की कॉफी. तो यानी कि आप और मैं कभी ईश्वर ने अगर मौका दिया भविष्य में तो हम चाय पियेंगे असम में और कॉफी पियेंगे कर्नाटका में. तो आपको याद रखना है 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए प्यारे बच्चों. ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि जब आप एक जगह पे प्लांटेशन कर रहे हैं तो वहां से जब आप उसके रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री तक जब आप लेके जाएंगे तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. और जिस इंडस्ट्री में वो जा रही है जहां पे वो प्रोसेस होके उसका रूप बदलेगा, जैसे अगर शुगर केन है तो उसकी जो चीनी बनेगी, है ना, उसका जो प्रोसेसिंग होगा और साथ में जो उसकी मार्केट है यानी कि उसको फिर कहां बेचा जाएगा, है ना. तो यानी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मार्केट, इनके बीच में एक बहुत ही अच्छा वेल डेवलप्ड हमें सिस्टम कहीं ना कहीं इसके लिए चाहिए होता है.
transporting, communication, processing industry and market plays an important role in the development of the plantation. तो ये एक छोटा सा टॉपिक था प्यारे बच्चों. अब हम देखते हैं आपकी बुक क्या कहती है. और आपकी बुक इसलिए भी मैं देखता हूं कि कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए. जैसे हमने लास्ट में क्या हमने मिस कर दिया था, पाम लॉ है ना. पाम लॉ मुझे पता है कि आपको पता है कि कहां का है, दैट इज मणिपुर एंड अंडमान एंड निकोबर है ना. स्लैश एंड बर्निंग को वहां पे पाम लॉ बोलते हैं. कमर्शियल फार्मिंग, तो यहाँ पे आपको जीएमपी भी याद रखना है. और अगर आपको क्वेश्चन स्पेसिफिकली टाइप्स ऑफ फार्मिंग में पूछा जाए तो आप पहले उसका चार्ट बनाएं और फिर उसको एक्सप्लेन करें. दैट विल गिव अ मतलब ब्यूटीफुल. और बाकी जो आपके आंसर चेक होंगे उसके ऊपर भी उसका इंपैक्ट होगा. द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स. एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर productivity. The degree of the commercialization of agriculture varies from one region to another. For example, rice is a commercial crop in Haryana and Punjab, but in Orissa it is a subsistence crop. Plantation, अब हम plantation उसका जो तीसरा था उसको हम देखते हैं, but आप इसको commonly देखें, is also a type of commercial farming. In this type of farming, a single crop is grown on a large area. The plantation has an interface of agriculture and industry. Plantation cover large tracts of land using capital intensive input with the help of migrant laborers. क्योंकि एक बहुत बड़ा एरिया है प्यारे बच्चों, वहीं के लोग उसमें क्या पता उनके पास इतना टाइम है, उनकी अपनी लाइवलीहुड्स है, अपनी काम है. तो माइग्रेंट लेबर का, जैसे बिहार और यूपी आपको पता है कि इसके लिए कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो दूसरी जगह पे काम करते हैं, तो माइग्रेंट लेबर्स की यहाँ पर बहुत जरूरत होती है जो वहीं पे रह के प्रॉपर उसमें काम कर सके. ऑल द प्रोड्यूसर्स इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज. इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एटसेट्रा आर इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स. टी इन असम एंड नॉर्थ बंगाल. देखा, हम भूल गए थे ना, यानी कि मैंने सिर्फ आपको असम बताया था, लेकिन हमें क्या याद रखना है कि टी जो है नॉर्थ बंगाल, बंगाल के भी नॉर्थ, क्योंकि जो असम से जो टच होता है एरिया ना. कॉफी इन कर्नाटक आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दीज स्टेट्स. सिंस द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट, अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिंग द प्लांटेशन एरियाज, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशन. तो डेवलपमेंट जो उसकी है उसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मार्केट जो है कि बहुत ही अहम रोल अदा करता है मेरे प्यारे बच्चों. तो दिस इज द स्मॉल टॉपिक. नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो फसल उगाने का जो समय है, जैसे खरीफ, जायद और कौन सी होती है रबी, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों. आज 14 अक्टूबर है और दिस इज ऑल अबाउट योर दिस टॉपिक. गॉड ब्लेस यू ऑल. Love you all.